कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुए, इसीलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तब उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर धनिया की बीज खरीदकर लोग घर पर रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को अपने बाग बगीचों या फिर गमलों में लगाते हैं। दीपावली की रात भी माता लक्ष्मी के सामने साबुत धनिया रखकर पूजा करें। अगले दिन प्रातः साबुत धनियों को गमले या फिर बाग में बिखेरें। माना जाता है कि साबुत धनिया से हरा भरा स्वस्थ पौधा निकल आए तो आर्थिक स्थिति उत्तम रहती है। धनिया का पौधा अगर पतला हो सामान्य आय का संकेत होता है, और पीला और बीमार पौधा निकलता है या पौधा नहीं निकलता है तो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। अगर बर्तन नहीं खरीद सकते तो कम से कम चांदी का सिक्का खरीद ले। यह कारण है कि यह चंद्रमा का प्रतीक और शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदने की भी परंपरा है, लेकिन ध्यान रखें कि आप इस दिन स्टील या फिर एल्युमिनियम के बर्तन ना खरीदें। लोग धनतेरस के दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस की पौराणिक कथा। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में रंगोली बनाकर दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय एक राजा थे जिनका नाम था हेम। देवी कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुए और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से निकली और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेने के लिए जा रहे थे उस वक्त नवविवाहिता उनकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे उसी वक्त उनमें से एक ने यमदेवता से विनती की कि यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले कि दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धनतेरस पूजा सामान्य विधि। इस दिन लक्ष्मी जी, गणेश जी तथा धन्वंतरी पूजा का भी विशेष महत्व है। धनतेरस पर धन्वंतरी और लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा के लिए सबसे पहले एक लकड़ी के पट्टा ले लें और उस पर स्वास्तिक का निशान बनाएं। इसके बाद उसके ऊपर वस्त्र बिछाएं, लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद एक तेल का दिया जला कर रख दे और उसको किसी चीज़ से ढक दे। दिए के आसपास 3 बार गंगाजल छिड़के और उसके बाद दीपक पर रोली का तिलक लगाएं और साथ ही चावल का भी तिलक लगाएं। इसके बाद दीपक में थोड़ी सी मिठाई चढ़ाकर मीठे का भोग लगाएं। फिर दीपक में 1 रुपया रखें। रुपया चढ़ाकर देवी लक्ष्मी और गणेश जी को अर्पण करें। फिर दीपक के पास 1 रुपया रखें। इसके बाद दीपक को प्रणाम करें और आशीर्वाद लें। परिवार के लोगों से भी आशीर्वाद लेने को कहें। इसके बाद यह दिया अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें। ध्यान रखें कि दिया दक्षिण दिशा की ओर रखा हो। यम दीपदान विधि में नित्य पूजा की थाली में घिसा हुआ चंदन, पुष्प, हल्दी, कुमकुम, अक्षत अर्थात अखंड चावल आदि पूजा सामग्री होनी चाहिए। साथ ही आचमन के लिए ताम्रपात्र
साथ ही आचमन के लिए ताम्र पात्र, पंच पात्र, आचमनी ये वस्तुएं भी आवश्यक होती है। यम दीप दान करने के लिए हल्दी मिला गुथे हुए गेहूं के आटे से बने विशेष दीप का उपयोग करते हैं। यम दीप दान प्रदोष काल में करना चाहिए। इसके लिए मिट्टी का एक बड़ा दीपक ले और उसे स्वच्छ जल से धो ले। उसके बाद स्वच्छ रुई लेकर दो लंबी बत्तियां बनाए, उन्हें दीपक के एक दूसरे पर आड़ी इस प्रकार रखे कि दीपक के बाहर बत्तियों के चार मुंह दिखाई दें। अब उन्हें तिल के तेल से भर दें और साथ ही कुछ काले तिल भी उसमें डाल दें। प्रदोष काल में इस प्रकार तैयार किया गया दीपक को रोली, अक्षत और पुष्प से पूजन करें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार दरवाजे के बाहर थोड़ी सी खील या फिर गेहूं की ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक को रखना है। दीपक को रखने से पहले प्रज्वलित कर ले और दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए इस प्रकार दक्षिण दिशा की ओर रखे। दीपक के नीचे खील या फिर दीपक को रखने से पहले प्रज्वलित कर ले तथा चौमुखा दीपक को खील या फिर गेहूं के अनाज के ढेरी पर रखना है। और साथ ही यमराज से अरदास करना है कि त्रयोदशी को यमदान करने मृत्यु नाम पास दंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रीत। साथ ही उनसे यम से अरदास करें कि त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्युपास दंडकाल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। इस मंत्र इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर उनको नमस्कार करें। धनतेरस पूजा का मुहूर्त। धन त्रयोदशी या फिर धनतेरस के दौरान लक्ष्मी पूजा को प्रदोष काल के दौरान किया जाना चाहिए, जो कि सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है, जो लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। प्रदोष काल में दीपदान एवं लक्ष्मी पूजा करना शुभ रहता है। चौघड़िया के अनुसार पूजन करने के लिए चौघड़िया मुहूर्त है। शुभ घड़ी मुहूर्त 12 बजे से लेकर दोपहर में 1:30 बजे तक। उसके बाद चर मुहूर्त है 4:30 बजे से 6 बजे तक। लाभ की घड़ी है 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक। स्थिर लगन है 6:47 से लेके 8:42 तक। वृषभ लगन रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करने से घर परिवार में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लाभ समय में पूजा करना लाभों में वृद्धि करता है। शुभ काल मुहूर्त की शुभता से धन स्वास्थ्य और आयु में शुभता आती है। सबसे अधिक शुभ अमृत काल में पूजा करने का होता है। प्रदोष काल पूजन मुहूर्त है 5:38 से 8:13 तक। स्थिर लगन 6:49 से 8:45 तक। धनतेरस की पूजा के लिए उपयुक्त समय है 7:08 से 8:13 तक। धनतेरस पर खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:41 से 10:40 तक। दोपहर में 12:07 से दोपहर में 2:51 तक। और शाम को 4:15 से लेकर 5:41 तक। रात्रि को 9:11 से 10:35 तक धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 तक राहु काल रहेगा, तो इस अवधि में आप खरीदारी ना करें। राशियों के अनुसार जानें धनतेरस पर क्या खरीदना रहेगा शुभ। मेष राशि। इस राशि का स्वामी मंगल है। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त पर मेष राशि के जातकों के लिए तांबे की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन आप चाहे तो भूमि में भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप तांबे की कोई वस्तु नहीं खरीदना चाहते तो आप चांदी या फिर इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान भी खरीद सकते हैं। वही इस राशि के लोग शेयर, केमिकल, चमड़े, लोहे से संबंधित काम में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। वृष राशि। वृष राशि का स्वामी शुक्र है। इस राशि के लोग धनतेरस के दिन चांदी का कोई सामान खरीदें, इसके अलावा चावल अवश्य खरीदें। इस मौके पर अनाज, कपड़ा, चांदी, चीनी, चावल, ब्यूटी प्रोडक्ट, परफ्यूम, दूध और उससे बने पदार्थ, प्लास्टिक, खाद्य तेल
कपड़े और रत्नों में निवेश करने या फिर खरीदने से लाभ होगा। इससे महालक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा करेगी। मिथुन राशि के स्वामी है बुध। बुध व्यापारियों को लाभ देने वाला ग्रह है। मिथुन राशि के जातक धनतेरस पर वाहन खरीद सकते हैं या फिर सोने में निवेश करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन आप सफ़ेद वस्त्र का दान करें जिससे आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। इसके अलावा आप कागज, लकड़ी, पीतल, गेहूं, दालें, कपड़ा, प्लास्टिक, तेल, सौंदर्य सामग्री, सीमेंट, खनिज पदार्थ आदि का व्यापार करने वाले तथा खरीदने वालों को लाभ मिलेगा। इस दिन आप पीतल का बर्तन खरीद सकते हैं। कर्क राशि का स्वामी है चंद्र। धनतेरस के दिन आपको कंपनियों के शेयर और फाइनेंस कंपनियों में निवेश करना लाभदायी होगा। कर्क राशि के लोग धनतेरस के दिन चांदी की वस्तुएं खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी आप खरीद सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। इस राशि के जातकों को नौकरी पसंद नहीं होती है, ये केवल व्यापार करने में विश्वास रखते हैं। धनतेरस के दिन आप शेयर या जमीन जायदाद में निवेश कर सकते हैं। इस दिन आपको तांबे या फिर कांसे की वस्तुओं को खरीद सकते हैं। आप चाहे तो इस मौके पर सोने में निवेश भी कर सकते हैं। इस दिन आप नए कपड़े भी खरीद सकते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है जिसे चंद्रमा का शत्रु माना जाता है। इस राशि के लोगों के लिए धनतेरस के दिन तांबे के गणेश जी खरीदना शुभ माना जाता है। वहीं इस मौके पर आप रसोई के लिए कोई आइटम भी खरीद सकते हैं। इस मौके पर अगर आप चाहे तो कांसे या फिर हाथी के दांत से बने चीज़ें भी खरीद सकते हैं। तुला। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। इस राशि के जातकों को इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर तेल में निवेश करना शुभ माना जाता है। जातक धनतेरस के दिन चांदी की कोई वस्तु खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर घर सजाने वाली कोई वस्तु भी खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। इस राशि के लोगों को धनतेरस के दिन जमीन, मकान, दुकान या और वस्त्रों में निवेश करना चाहिए। इस मौके पर सोने की वस्तु भी आपके लिए खरीदना आपके लिए शुभ माना जाता है। यदि आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु भी खरीद सकते हैं। यदि आप इन वस्तुओं को खरीदते हैं तो आपको धन लाभ के कई योग बनेंगे। धनुराशि। धनुराशि का स्वामी गुरु है। गुरु व्यापारियों को लाभ प्रदान करने वाला ग्रह है। धनतेरस के दिन सोने का आइटम और अनाज खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप इस दिन आभूषण, रत्न, अनाज, चांदी और ब्यूटी प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। यदि आप इस दिन कोई पीली वस्तु खरीद लेते हैं तो आपके ऊपर लक्ष्मी जी के साथ साथ बृहस्पति देव का भी आशीर्वाद बना रहेगा। मकर राशि का स्वामी शनि है। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वाहन, इत्र, ब्यूटी प्रोडक्ट में निवेश करने से लाभ होगा। मकर राशि के लोग धनतेरस के दिन वाहन भी खरीद सकते हैं क्योंकि उनके लिए ये दिन काफ़ी शुभ है। इसके अलावा आप माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए वस्त्र और चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं। इस अवसर पर आप ये सब चीज़ खरीदने से आपके घर में समृद्धि का वास होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी है शनि। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन, इत्र आदि की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। आप चाहे तो इस दिन आप नीलम रत्न भी खरीद सकते हैं, यह काफ़ी शुभ माना जाता है। यदि आप चाहे तो इस दिन भगवान गणेश और धन की देवी लक्ष्मी के चित्र के लिए माँ लक्ष्मी के चित्र वाला चांदी का सिक्का अवश्य खरीदें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। मीन राशि। मीन राशि का स्वामी गुरु है। चंद्रमा का घनिष्ठ मित्र माना जाता है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, रत्न, आभूषण आदि सामग्री को खरीदना शुभ रहेगा। इसके अलावा आप चांदी के बर्तन भी खरीद सकते हैं। धनतेरस पर धन प्राप्ति के अनेक उपाय बताए जाते हैं, लेकिन सभी उपायों से बढ़कर है धन और आरोग्य के देवता धन्वंतरी का पावन स्त्रोत। इस स्त्रोत को कम से कम 11 बार पढ़ें। पूर्ण भाव से भगवान धन्वंतरी जी का पूजन करें। घर में नई झाड़ू और सुपड़ा खरीद कर लाएं और विधि से पूजा करें। सायंकाल दीपक प्रज्वलित करके अपने मकान, दुकान आदि को सुंदर सजाएं। माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्पों की माला पहनाएं और उन्हें सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन और आभूषण खरीद सकते हैं। हल, जूती, मिट्टी को दूध में भिगोकर उसमें सेमर की शाखा डालकर 3 बार अपने शरीर पर फेरे। धनतेरस के दिन सूखे धनिया के बीज खरीद कर घर में रखने से घर परिवार में सुख संपदा में वृद्धि होती है। इस दिन नमक जरूर खरीदना चाहिए और अपने किचन में उसको यूज करें। कुबेर देवता का पूजन करें। शुभ मुहूर्त में अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नई गद्दी बिछाएं। सायंकाल पश्चात 13 दीपक जलाकर तिजोरी में भगवान कुबेर धन के देवता की पूजन करें।
मृत्यु के देवता यमराज के निमित्त दीपदान करें। तेरस के सायंकाल किसी पात्र में तिल के तेल से युक्त दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद तो गंध पुष्प अक्षत से पूजन करके रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद। के दक्षिण दिशा की उन्मुख करके